गवर्नमेंट की कंपल्शन हो सकती हैं कि जो भी इस समय रूल्स रेगुलेशन अथवा जो प्रोविजंस हैं उसके तहत हम नेशनल कैलमिटी इस समय डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कीम ऑफ FDRF एंड NDRF डजंट कंटेम्पलेट डिक्लेरेशन ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर एज ए नेचुरल डिजास्टर और कैलमिटी। बट आई वुड लाइक टू से द डिजास्टर हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड बाई अवर गवर्नमेंट एज डिजास्टर ऑफ सीवियर नेचर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड्स सोल्जर टू सोल्जर विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर मैनेजिंग दिस डिजास्टर ऑफ ओखी। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को सूचित करना चाहूँगा कि करंट फाइनेंशियल ईयर में देश के कई भागों में चाहे फ्लड हो, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हो, जैसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर से कई क्षेत्र अफेक्टेड हुए हैं, जिनमें लगभग मोर देन 2000 लोगों की जाने गई हैं और इमोवेबल और मोवेबल प्रॉपर्टीज का भी एक बड़ा लॉस हुआ है। देश के सदर्न स्टेट में हाल में ही साइक्लोनिक स्टार जिसे हम ओखी कहकर पुकारते हैं उसने भी बहुत बड़ी तबाही मचाई है, और इस ओखी साइक्लोनिक स्टार्म ने तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कई भागों में नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले इस स्टार्म में साउथ तमिलनाडु और साउथ केरला के कोस्टल एरिया को 13 नवंबर को दोपहर बाद ही प्रभावित किया था। लक्षद्वीप में यह तूफान लगभग 1 दिसंबर को पहुंच पाया था। इसके बाद यह नॉर्दर्न कोस्टल महाराष्ट्र और सदर्न कोस्टल गुजरात से लगते हुए इलाकों में पहुंचा, लेकिन जब तक यह महाराष्ट्र और गुजरात के इन क्षेत्रों में पहुंचता, यह तूफान बहुत ही वीक हो चुका था और अब इसका कोई साइक्लोनिक इफेक्ट नहीं रह गया था। हमारे बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने यह पूछा कि समय से इसकी सूचना नहीं दी गई। इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 29 नवंबर को पूर्वान 11:50 पर एक वार्निंग जारी की और हर 3 घंटे के बाद बुलेटिन जारी किया, जिसमें स्टॉर्म की विभिन्न स्थितियां जो डीप सी में साइक्लोनिक स्टॉर्म से और अधिक हाई इंटेंसिटी वाले साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने के बारे में बराबर इस जानकारियां दी जा रही थी। वास्तव में पहली सूचना इस डिप्रेशन के बनने के बारे में थी, जो कि अगले 48 to 72 आवर्स के दौरान होने वाला था, और यह सूचना ट्रॉपिकल वेदर आउटलुक में 12 बजे 28 नवंबर को ही जारी की गई। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि इस ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म जो इक्वेटर के निकट डेवलप हुआ था, अपने आप में यह एक रेयर इवेंट है, और यह स्टार वास्तव में रेयर था क्योंकि यह डिप्रेशन से डेवलप हुआ और 24 घंटे के भीतर लेथल साइक्लोनिक स्टार में यह बदल गया, और इसने बे ऑफ बंगाल के साउथ वेस्ट में डेवलप होकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रास्ता अपना लिया और यह गुजरात के निकट वेस्टर्न कोस्ट पर जाकर यह समाप्त हो गया। इस समुद्री तूफान के 1891 से 2016 तक के ऐतिहासिक आंकड़ों की तुलना करने पर पता चलता है कि यह एक ऐसा केवल चौथा साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो 125 ईयर्स में केरल के कोस्ट और लक्षद्वीप तक पहुंचा है। 125 ईयर्स में, इसके पहले 1912 में दो और 1925 में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म कॉमरिन सी में उत्पन्न हुआ था, मगर साइक्लोनिक स्टॉर्म ओखी ऐसा पहला तूफान है जिसकी रैपिड इंटेंसिफिकेशन मात्र 6 घंटे में डीप डिप्रेशन से साइक्लोनिक स्टार में बदल गई। इसकी एक और डेटिफाई यह है कि बे ऑफ बंगाल में इक्वेटर के निकट से शुरू होकर यह साइक्लोनिक स्टार वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात तक बढ़ा। ऐसी भी कुछ रिपोर्ट हैं कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार सही समय पर चेतावनी जारी नहीं की गई। मैं उप सभापति महोदय यह बतलाना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मौसम के खराब होने से 48 आवर्स पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म्स का अलर्ट
और 24 घंटे के पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म की वार्निंग जारी करनी होती है, यह प्रोटोकॉल के अनुसार यह करना होता है। फिर भी इस मामले में बुरे मौसम की चेतावनी लगभग 24 घंटे पूर्व अर्थात 29 नवंबर को पूर्वान 11:50 पर जारी कर दी गई और फिशरमैन को भी अलर्ट कर दिया गया था। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के बारे में अलर्ट 30 नवंबर को प्रातः 5:30 AM और वार्निंग 30 नवंबर को 11:55 PM में दी जा चुकी थी। साथ ही साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बुलेटिन के आधार पर NDMA और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंट्रोल रूम से भी रेगुलरली बुलेटिन जारी की गई। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि यह कॉमोरेंस सी में मात्र 6 घंटे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेंसिफिकेशन के कारण अलर्ट हो अथवा वार्निंग 30 नवंबर के फोरनून से पहले नहीं जारी किया जा सका। यह ओपन सी में साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की इंटेंसिटी से काफ़ी अलग है जो जनरली बे ऑफ बंगाल के सेंट्रल पार्ट और अरबियन सी में होता है, जिसमें सामान्यतः अलर्ट अथवा वार्निंग जारी करने के लिए करीब 72 घंटे का समय उपलब्ध रहता है, क्योंकि डीप डिप्रेशन में साइक्लोन बनकर कोस्ट पहुंचने में करीब कम से कम 72 घंटे का समय उपसभापति महोदय लग जाता है। और इस स्थिति से निपटने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं, मैं बहुत ही संक्षेप में उसकी यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने तत्काल समुद्र में जो भी ऐसे हमारे फिशरमैन पड़े हुए थे, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इंडियन एयरफोर्स, नेवी एवं कोस्ट गार्ड के एरोप्लेन्स, शिप्स और हेलीकॉप्टर्स जो भी उपलब्ध थे वह तैनात कर दिए। NDRF की 60 टीमों को तमिलनाडु और केरल के साइक्लोन अफेक्टेड एरियाज में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रेस्क्यू ऑपरेशन और मछुआरों की सर्च और उनका बचाव करने तथा सहायता देने के लिए तैनात कर दिया गया। राज्य सरकारों और साथ ही साथ UTs का जहां तक सवाल है, उसके साथ साथ रक्षा मंत्रालय और अन्य केंद्र सरकार के जो मंत्रालय और विभागों के साथ निकट और नियमित कोऑर्डिनेशन बनाए रखा गया। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में भी 1 दिसंबर और 4 दिसंबर को 2 बार नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई। राज्यों के मुख्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उपसभापति महोदय राज्यों के मुख्य सचिवों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चर्चा में शामिल होने को कहा गया और वो शामिल हुए और उनकी आवश्यकताओं के बारे में यह पूछा भी गया तथा उन्हें जो कुछ भी उन्होंने कहा जितना संभव हो सकता था सहायता भी उन्हें उपलब्ध कराई गई। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने फिशरमैन को चेतावनी और एडवाइजरी जारी की थी, यह स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने भी बतलाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, वह यह है कि फिशरमैन जो बहुत दूर गहरे समुद्र में चले जाते हैं, डीप सी में जो फिशरमैन चले जाते हैं, वे 15 और इससे भी अधिक दिनों के लिए बाहर रहते हैं। वे 2000 नॉटिकल माइल्स तक अंदर चले जाते हैं और डीप सी में जाने के लिए 10 दिन का समय लगता है और 10 दिन तक वे फिशिंग का काम करते हैं तथा वापस आने में भी उन्हें 10 दिन का समय लग जाता है। इसलिए यह जो अवधि होती है वह लगभग 1 माह की हो जाती है और इस तरह से उन फिशरमैन को इतनी दूर तक जाने से रोकने की चेतावनी देना यह संभव नहीं हो पाता है। दूसरी उपसभापति महोदय, जो सबसे अच्छी स्थिति यह हो सकती है कि उन फिशरमैन की सर्च और उनका बचाव करने के लिए सभी संभव संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, अर्थात यही इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और वायुसेना की मदद से किया जा सकता है। जहाँ तक उन सारी बोट्स को आइडेंटिफाई करने का सवाल है, एक स्टेप हम लोगों ने और उठाया है, लो कास्ट ट्रांसपोंडर्स की व्यवस्था की जा रही है और उसका ट्रायल भी यह हो चुका है और मैं समझता हूँ उसमें आवश्यकता इस बात की रहती है कि जो फिशरमैन है उन फिशरमैन के पास मोबाइल होनी चाहिए, लेकिन अभी इसे डिप्लॉय नहीं किया गया है, अभी इसका केवल ट्रायल हुआ है, लेकिन हम इसकी व्यवस्था आगे कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और जितनी स्टेट एजेंसी हैं,
लोकल फिशरमैन को उनकी बोट सहित अपने साथ ले गई हैं तथा उन्हें उन संभावित स्थानों के बारे में गाइड किया जा सके जहां वे आम तौर पर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसकी मैं जानकारी कर लूंगा। अब तक कठिन समुद्री परिस्थितियों के बावजूद 845 फिशरमैन को केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में बचाने में हमारी इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ जो यह कामयाब हुए हैं, और जैसा कहा है शशि थरूर साहब ने, उपसभापति महोदय, वे सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत ही उन्होंने एक रिमार्केबल यह काम किया है। सर्च और रेस्क्यू कार्य के लिए जहाज 700 नॉटिकल माइल्स तक चले गए हैं, यानी शिप्स जो गए हैं 700 नॉटिकल माइल्स तक गए हैं सर्च और रेस्क्यू के लिए। और 21 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में 18 डेथ्स हुई हैं और केरल में 74 डेथ्स की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तमिलनाडु के 275 फिशरमैन और केरल के 215 फिशरमैन अब भी लापता हैं, यह जानकारी प्राप्त हुई है। और उपसभापति महोदय, मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि पहले तमिलनाडु और जो गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या 433 रिपोर्ट की गई थी, अब मछुआरों के वापस आने, बचाव और समुचित पहचान के बाद यह संख्या अब घटकर केवल 275 रह गई है। और जो अभी हमारे फिशरमैन लापता हैं उनकी तलाश करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं सदन को इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूं, उपसभापति महोदय, कि शिप्स और एयरक्राफ्ट जिन्होंने कि सर्च का काम किया है, उन्होंने लगभग 14,20,383 स्क्वायर किलोमीटर तक फिशरमैन की सर्च करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। और बोइंग एक एयरक्राफ्ट सभी जगह पर जाकर निगरानी की और जहां जहां पर फिशरमैन दिखे शिप्स को, चाहे वो कोस्ट गार्ड की रही हो अथवा इंडियन नेवी की रही हो, उनको डायरेक्ट किया ताकि मछुआरों को पिकअप किया जा सके और उनकी जान को बचाया जा सके। जैसा मैंने बताया कि अब भी नेवी और कोस्ट गार्ड की 18 शिप्स सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में आज की तारीख में भी लगी हुई हैं, जबकि आज 22वां दिन हो गया है, फिर भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में ये हमारी सारी शिप्स लगी हुई हैं। एयरक्राफ्ट मोर देन 400 घंटे तक जो है फ्लाई किया है, मोर देन 400 आवर्स एयरक्राफ्ट ने फ्लाई किया है, और नेवी और कोस्ट गार्ड ने मिलाकर लगभग 759 आवर्स की फ्लाइंग की है रेस्क्यू और ऑपरेशन के लिए। शिप डेज के हिसाब से देखें तो कोस्ट गार्ड ने 190 डेज और नेवी ने 180 डेज तक इस काम को किया है, और आपस में इनका कोऑपरेशन भी बना हुआ है, उपसभापति महोदय। और यहाँ तक लक्षद्वीप का सवाल है, काफ़ी बोट्स को लक्षद्वीप में भी सेव करने में हमारी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को कामयाबी मिली है। मैं मर्चेंट शिप्स के बारे में भी कहना चाहूँगा, मर्चेंट शिप भी, इसको भी एक्टिव किया गया और इस मर्चेंट शिप ने लगभग 29 लाइव्स को सेव करने में कामयाबी हासिल की है। और ढूंढने के लिए मछुआरों को भी शिप्स में लेकर जाने का काम, यह हमारी चाहे इंडियन नेवी की शिप्स हो अथवा दूसरी शिप्स हो, इस समय यह लगी हुई है। गृहमंत्री जी, जी अब वेणुगोपाल जी एक सवाल पूछने चाहते हैं, छोटा सा। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर, वी आर रेसिंग ए सीरियस इश्यू ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। As you rightly pointed out, central government agency has given 2-3-4 warning for deep depression to the government of Kerala. But cyclone message has given only on 30th, 12:30, as per your records also. Therefore, there is a need of inquiry in that. This, if you could have been given cyclone or this early this warning to earlier date, early the state government or central government, both the agencies failed in this regard. But it is not the fault of the fishermen. If we could have been saved that fishermen, therefore there is a need of announcing this is a special case,
It is a national calamity, and there is a need of separate package, and there is a need of an inquiry. Whether the Home Minister is going to reply on that. उपसभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा कि यह जो साइक्लोनिक स्टॉर्म था कुछ रेयर नेचर का था, उसको यूजुअल जैसे स्टॉर्म आते हैं उस प्रकार का यह स्टॉर्म नहीं था, कुछ रेयर था अपने में, कुछ विशेष प्रकार का था, इस कारण शायद वो सूचना नहीं हो पाई थी, और इसकी जानकारी मैंने पहले ही आपको दी, बोलते समय मैंने बतला दिया था। और उपसभापति महोदय, जैसा कि सभी सम्मानित सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी जाकर तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप का दौरा किया, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी और हमारे लोकल मिनिस्टर मिस्टर पोन राधाकृष्णन भी वहाँ लगातार 7-8 दिनों तक मौजूद रहे, और जो भी इस प्रकार के परिवार थे उन परिवारों के साथ सदैव उन्होंने अपना संबंध बनाकर रखा है। जहाँ तक असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाने का सवाल है, FDRF और NDRF के अंतर्गत सहायता के अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र 325 करोड़ की तत्काल सहायता प्रदान करेगा, और यह सहायता FDRF की दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है के रूप में तमिलनाडु को दिए गए 280 करोड़ रुपए और केरल को दिए गए 76 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त है, उसमें शामिल नहीं है। यह भी घोषणा की गई है कि साइक्लोन ओखी से पूरी तरह नष्ट हो चुके 1500 जो हाउसेस हैं उनके निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार सहायता प्रदान करेगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को नए घर के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये की सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनियों को भी कहा गया है कि प्रभावित व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट है उसका भुगतान कर दिया जाए। मृतक के निकट संबंधी को 2 लाख रुपए की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की मंजूरी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंतर्गत दी गई है। उपसभापति महोदय, केरल से 20 दिसंबर और तमिलनाडु से 21 दिसंबर को जो मेमोरेंडम प्राप्त होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो मेमोरेंडम प्राप्त हो चुका है, और केरल ने जो डिमांड की है, आप भले ही यहाँ चाहे अधिक डिमांड कर रहे हो, लेकिन केरल गवर्नमेंट की जो डिमांड की है कुल 442 करोड़ रुपए की डिमांड की है, और तमिलनाडु ने जो डिमांड की है वह 876 करोड़ रुपए की राहत राशि की उन्होंने डिमांड की है, और इसकी और साथ ही इन दोनों स्टेट्स का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेमोरेंडम प्राप्त हो जाने के बाद हमारी सेंट्रल टीम तैयार है, और 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक वह केरल जा रही है, और उसके बाद तमिलनाडु भी हमारी सेंट्रल टीम जो भी लॉसेस हुए हैं उसको एसेस करने के लिए इन राज्यों में जा रही है। उपसभापति महोदय, ओखी के दौरान ज़्यादातर मौतें समुद्र में और खतरनाक हुए साइक्लोन के कारण हुई हैं, और मैं समझता हूं कि कोस्ट और लैंड पर कंपैरेटिवली कम नुकसान हुआ है, बहुत सारे पेड़ भी उखड़ गए हैं और बिजली के खंभों को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केरल राज्य को 76.5 करोड़ और तमिलनाडु को 280 करोड़ की एडवांस फंडिंग, यह FDRS की सेकंड इंस्टॉलमेंट केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है, और प्रभावित राज्यों में फॉर्मल मेमोरेंडम भी जैसा मैंने बताया कि प्राप्त हो चुका है, और सेंट्रल टीम वहां पर जा रही है। उपसभापति महोदय, मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं इस सदन को, इस समय हमारी इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, NDRF, इसमें बहुत ही म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन जैसा होना चाहिए, बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इन सब के बीच बना हुआ है, और साथ ही एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर हैज बीन ऑलरेडी सेटअप एट द ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर ऑफ नेवी एट कोची, एंड दिस इंक्लूड्स तमिलनाडु एंड केरला स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑल्सो इन दिस कमिटी and the members from Tamil Nadu and Kerala fisheries also. And the coastal police and the state disaster management authority are also the member of this
joint operation center. All inputs of missing fishermen is collected by the state government, and now I will not go in detail, but I would like to say something regarding the issues raised by the Shashi Tharoor ji. Shashi Tharoor ji asked me regarding the protocol for search and rescue operation. Immediate response by Navy and Coast Guard given. 29th number 17, ICG ships, three of them sailed in the night. 30th number 17, both Navy and ICG ships sailed out. Aircraft searches were launched. Search by aircraft depends on prevalent weather. Flight safety requires aircraft to launch if weather conditions permit. However, as early as possible, aircraft were launched on 30th November 17 itself. Both Navy and Coast Guard on 30th November 17 rescued and assisted 136 fishermen at sea of both Kerala and Tamil Nadu. Where to rescue? Where to search? Navy and the Coast Guard searched first of affected areas of the coast. एक मिनट माननीय सदस्यगण, ये निजी संकल्प का समय तब तक बढ़ाया जाए जब तक माननीय मंत्री जी का जवाब समाप्त हो जाए। मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, रिप्लाई तो होता है, अब खत्म ही कर रहे ना सर। मुझे एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए था, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम जो आपने केरला भेजी, तमिलनाडु भेजी, उसके बाद गुजरात भेजे और महाराष्ट्र भेजे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान केरला में हुआ। वहाँ आप चार टीम भेजे, उसके बाद नुकसान हुआ तमिलनाडु का, वहाँ तीन टीम भेजे और महाराष्ट्र में तीन टीम भेजे, लेकिन गुजरात में है कोई नुकसान नहीं हुआ, वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, लेकिन आपने सात टीम भेजी। यानी नहीं, ये ऑफिशियली ये ऑफिसर का नहीं, नहीं ये ऑफिसर की गलती है। क्या असेसमेंट ठीक नहीं था? क्या आप इस साइक्लोन को ठीक से समझ नहीं पाए? ये आपका रिपोर्ट है, मेरा नहीं है, आप ही का रिपोर्ट है। आप सात गुजरात को भेजते हैं, जिस जगह एक जान नहीं गया, कुछ माल इसका नुकसान नहीं हुआ, ठीक है? नो नो नो, ठीक है, ठीक है, आप भेजिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा तो केरला में देना चाहिए था, उसके बाद में तमिलनाडु में देना चाहिए था, लेकिन जहां पर नुकसान नहीं हुआ वहां ज्यादा देते हैं, जहां नुकसान हुआ है वहां पर कम दे रहे हैं। और मैं शशि थरूर साहब देखे समझा, मैं बगैर देखे ही वो सर्टिफिकेट दे दीजिए आप, तो ये आप ही का रिपोर्ट है, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ आप। अब जवाब देने दीजिए। नहीं नहीं, उसीलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कृपया ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये आपातकाल, ये सबके लिए, इसीलिए इसका इंक्वायरी होने दो, क्यों और किस लिए ऐसा कर रहे हैं? सभापति, उपसभापति महोदय, मैं समझता हूँ किसी इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इतनी इनह्यूमन नहीं हो सकती, हमारी सेंसिटिव गवर्नमेंट है। और यहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, एनडीआरएफ पहले से ही वहां पर दो टीम तमिलनाडु में पहले से थी, ऐसे ही दो या तीन टीम पहले से ही केरला में थी। सुनिए तो पहले बारे, यह सारी सात जो है एनडीआरएफ की टीम पहले से ही यहां पर जो पड़ी हुई थी, उसकी मैंने जानकारी की। तमिलनाडु और केरला में कुछ एडिशनल टीम्स फिर बाद में हम लोग जितना भेज सकते थे, जितनी आवश्यकता थी उतनी टीम भेजी गई है वहां पर, क्योंकि ऑलरेडी तमिलनाडु में और साथ ही साथ केरला में हमारी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड इस काम को ऑलरेडी वहां पर कर रही थी। लेकिन नहीं,
नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग मान्य सदस्य बैठ जाइए मान्य सदस्य बैठ जवाब पूरा होने दीजिए जवाब पूरा होने दीजिए ओके उपसभापति महोदय शशि थरूर जी ने जवाब होने दीजिए मान्य सदस्य जवाब होने दीजिए उसके बाद आप प्रश्न करेंगे अभी जवाब समाप्त होने दीजिए उपसभापति महोदय शशि थरूर साहब ने डॉपलर वेदर राडार के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके बारे में मैं बतलाना चाहूंगा कि डॉपलर वेदर राडार वेयर ऑपरेशनल एट तिरुवनंतपुरम एंड कोची ड्यूरिंग साइक्लोन पीरियड और द डाटा फ्रॉम दीज टू राडार्स वेयर यूटिलाइज्ड अलॉन्ग विद सैटेलाइट ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड द मॉडल्स फॉर मॉनिटरिंग एंड द फोरकास्टिंग एंड द डॉपलर वेदर राडार तिरुवनंतपुरम could detect the cyclone on 30th November 2017 only. शशि थरूर साहब के संबंध में मुझे ये कहना है और मैं अन्य राज्यों चाहे वो बिहार हो वेस्ट बंगाल हो अथवा अन्य राज्यों के संबंध में भी लोगों ने जो वहाँ पर फ्लड आई है अथवा दूसरी किसी प्रकार की कैलमिटीज आई है उस संबंध में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है इस संबंध में जानकारी चाहिए तो ये काफ़ी ये लंबी चौड़ी जानकारी है मैं 14 स्टेट्स के बारे में उपसभापति महोदय यहाँ पर दे सकता हूँ मणिपुर है मिजोरम है असम है राजस्थान है बिहार है वेस्ट बंगाल है गुजरात है उत्तर प्रदेश है नागालैंड है हिमाचल है आंध्रा है तेलंगाना है सिक्किम है केरला है तमिलनाडु अब इन सब सारी स्टेट्स के बारे में यदि मैं डिटेल्स जानकारी यदि मैं दूंगा तो लंबा समय लगेगा लेकिन इजाजत दें तो मैं जानकारी इसकी मैं दे सकता हूँ लेकिन मणिपुर के बारे में मैं सभी राज्यों का नहीं देता हूं मैं वेस्ट बंगाल का आपको बतला देता हूं वेस्ट बंगाल के बारे में असिस्टेंट जो वहां से डिमांड की गई है वो 15,924.7 करोड़ की डिमांड की गई है और वहां पर 10 to 14 अक्टूबर के बीच सेंट्रल टीम विजिट कर चुकी है और उसकी रिपोर्ट अपॉन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इट विल बी प्रोसेस फॉर प्लेसिंग बिफोर द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड देयर आफ्टर दिस रिपोर्ट विल कम बिफोर द हाई लेवल कमेटी देन आफ्टर दैट वी विल टेक द डिसीजन व्हाट असिस्टेंस वी हैव टू प्रोवाइड प्रोसेस थोड़ा लंबा है प्रोसेस लंबा है मैं समझता हूं किसी दिसंबर में अथवा बिफोर 15th of January इस पर जो है फाइनल डिसीजन हो जाएगा आप जवाब दीजिए माननीय सदस्य बैठिए आप सवाल पूरा करने दीजिए जवाब पूरा करने दीजिए मंत्री जी के अलावा कोई कार्यवाही में नहीं जाएगा मैं ये शायद एनडीआरएफ के हमारे जवाब से आप कुछ और जानकारी चाहते थे मैं पूरी जानकारी अब आपको मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ एनडीआरएफ का जो डिप्लॉयमेंट होता है उपसभापति महोदय खड़गे जी को बतलाना चाहता हूँ वह स्टेट गवर्नमेंट के रिक्विजिशन से होता है या तो कंसल्टेशन से किया जाता है और उनकी आवश्यकता के अनुसार ही डिप्लॉयमेंट किया गया एनडीआरएफ का ऑपरेशन लैंड बेस्ड एनडीआरएफ का ऑपरेशन लैंड बेस्ड होने के कारण इसके उपयोग की आवश्यकता तमिलनाडु और केरला में बहुत ही कम थी इस कारण जो है वहां पर कम एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय की गई तमिलनाडु एवं गुजरात दोनों स्टेट्स में एनडीआरएफ की एक एक बटालियन का मुख्यालय है और उनकी मांग पर एनडीआरएफ की तैनाती की गई थी और यदि रिक्विजिशन उनकी तरफ से होती तो और एनडीआरएफ की टीम की तैनाती वहां पर हो जाती वेस्ट बंगाल के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं सलीम साहब कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपना मेमोरेंडम पुनः रिवाइज कर दिया है हम लोग डिसीजन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पुनः आपकी गवर्नमेंट ने जो पहले मेमोरेंडम भेजा था उसको फिर से रिवाइज करके भेजा है और जिसके कारण विलंब हो रहा है नहीं तो मिल गया Thank you.
अब उसके लिए भी जल्दी सेंट्रल टीम भेजेंगे। तो उप सभापति महोदय मुझे कुछ बैठिए। उप सभापति महोदय मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी तक एसडीआरएफ में एनुअल सेंट्रल कंट्रीब्यूशन के रूप में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार ने केरल की राज्य सरकार को 153 करोड़ रुपए की राशि और तमिलनाडु की राज्य सरकार को 561 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और राज्यों से जो सूचना प्राप्त हुई के अनुसार ओखी साइक्लोन से प्रभावित लोगों को राहत सहायता देने के लिए केरल की एसडीआरएफ अकाउंट में केरल की एसडीआरएफ अकाउंट में 175 करोड़ रुपए की राशि और तमिलनाडु के एसडीआरएफ अकाउंट में 550 करोड़ रुपए की राशि इस समय उपलब्ध है। जब तक और नहीं बैठेंगे तो जहां तक लक्षद्वीप का सवाल है, लक्षद्वीप प्रशासन के पास यूटी डिजास्टर रिस्पांस फंड के अधीन इस समय 10 करोड़ रुपए की केवल धनराशि है लक्षद्वीप के पास। और मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि वहां से जो भी मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है, इन सभी राज्यों से मेमोरेंडम प्राप्त हो गए हैं, हमने सेंट्रल टीम गठित कर कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। सेंट्रल टीम जल्दी ही इन राज्यों में विजिट करने वाली है। सेंट्रल टीम जब विजिट करके वहां से लौटेगी, जो भी अपना रिपोर्ट देगी उसके आधार पर और अधिक असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जा सकती है इन राज्यों को प्रोवाइड हम करेंगे। इतना ही आश्वस्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।